हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था और कंस्ट्रक्टर के दो लेक्चर्स बने। कंस्ट्रक्टर के पहले हमने मेंबर फंक्शन पढ़ा C++ के। अब आगे हम फंक्शंस का अध्ययन करने वाले हैं। फंक्शंस बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हम सी लैंग्वेज में फंक्शंस पढ़ते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्रोग्रामिंग इन सी के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने फंक्शंस के 5 अलग अलग लेक्चर्स बहुत डिटेल में बनाए हैं। आप चाहें तो वहाँ पे जाके फंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और उसे C++ में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ट्रिक लेक्चर भी बनाया है। उस ट्रिक लेक्चर के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि सी के प्रोग्राम्स को आप C++ में और C++ के प्रोग्राम को सी में कैसे बना सकते हैं। बहरहाल इस आज के लेक्चर में हम C++ के फंक्शंस और इनलाइन फंक्शंस का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है। देखिए फंक्शन जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है और इसकी विशेषता यह होती है कि यह एक कार्य को करके एक टास्क को कंप्लीट करके जो वैल्यू होती है जो भी ये काम पूरा करता है उसे रिटर्न करता है। तो एक ही टास्क को ये पूरा करता है और एक रिटर्न वैल्यू ये प्रदान करता है। तो ये जो रिटर्न वैल्यू है किसी फंक्शन में सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से अधिक नहीं हो सकती। इसकी परिभाषा में आप ये लिख सकते हैं कि फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो किसी एक कार्य को पूरा करता है और एक वैल्यू को रिटर्न करता है। एक उदाहरण लेते हैं इसका। तो ये रहा हमारा कंपाइलर और इसमें हम C++ का एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम केवल लिखना है। अगर आप C++ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल आईओ स्ट्रीम लिखने के बाद में आपको आगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये भी लिखना है ताकि आप इसके पूरे जो क्लास लाइब्रेरी हैं उसे इस्तेमाल कर सकें। अब बारी आती है फंक्शन के प्रोटोटाइप की। तो C++ में अनिवार्यता आपको प्रोटोटाइप देना ही पड़ेगा। सी में एक बार आप नहीं भी देंगे तो चलेगा लेकिन C++ में प्रोटोटाइप देना अनिवार्य है। तो मैं यहाँ पे एक void फंक्शन बनाता हूँ जो किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एक काम करेगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे void लिख रहा हूँ और इस फंक्शन का नाम रख रहा हूँ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले फंक्शन जो है इसमें कोई वैल्यू हम प्रदान नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पे हम आगे भी void लिख दे रहे हैं। तो ये इसका प्रोटोटाइप हो गया। अब हम आते हैं मेन फंक्शन की ओर। तो मेन फंक्शन हम इंट ले रहे हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हम यहाँ पे इंट मेन लिख दे रहे हैं। अब हम सीधा सीधा क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा वो आगे हम इसमें इसे परिभाषित जब करेंगे, जब इसे डिफाइन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो आप चाहें तो इसे इस स्थान पर भी डिफाइन कर सकते हैं और चाहे तो मेन फंक्शन के पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप काम करें। अब फंक्शन का नाम है वाइट डिस्प्ले और ये फंक्शन कर क्या रहा है ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ये मैंने इसमें मैसेज दे दिया, ये डिस्प्ले फंक्शन है। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो होगा क्या, कंपाइलर को पता रहेगा कि इस प्रोग्राम में एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ। डिस्प्ले नाम के फंक्शन को हमने क्या किया, मेन फंक्शन में कॉल किया। मेन फंक्शन में तो यहाँ पे हमने रिटर्न जीरो लिख दिया ताकि मेन फंक्शन जो है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। तो जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर को पहले से मालूम है कि ये इसमें डिस्प्ले नाम का फंक्शन आने वाला है और डिस्प्ले फंक्शन में हमने इसे परिभाषित कर दिया है ये एक मैसेज को प्रिंट करने वाला है। तो अब इसे सेव करते हैं। यदि आप यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन का एक शॉर्टकट होता है F11। आप F11 दबा सकते हैं कीबोर्ड से। फिर यहाँ पे सबसे पहला काम होता है आपकी फाइल को सेव करना। तो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ फंक्शन CPP और डायरेक्टली आप इंटर प्रेस करेंगे तो C++ की फाइल बन जाएगी और प्रोग्राम सीधा रन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर ऑफ अ फंक्शन जो है ये प्रिंट हो गया। तो ये था एक फंक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आप फंक्शन कैसे बना सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसका प्रोटोटाइप भी किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अब आगे यदि आपको फंक्शन और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मैं फिर से कहूँगा, प्रोग्रामिंग इन सी के लेक्चर्स के सीरीज़ में मैंने कुल 50 से अधिक लेक्चर्स बनाए हैं। उसमें आप फंक्शंस को पूरी डिटेल में, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, जितने भी रूप होते हैं फंक्शंस के सभी रूपों का बहुत ही विस्तृत विवरण दिया गया है रिकर्शन के साथ में। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
और उसे आप यहाँ पे प्रिंटफ की जगह सीआउट लिखें और किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं यहाँ पे उस प्रोग्राम को, उस फंक्शन को आपको बना के दिखा दूंगा। अब आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। तो इसका नाम है इनलाइन फंक्शन। आपको नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इनलाइन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसे केवल एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में लिखा जाता है। ये कैसे सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं, जैसे आप कभी कभी जोक मारते हैं तो एक लाइन में ही हंसी आ जाती है, और कभी कभी आप जोक मारते हैं तो पूरा जोक सुनने के बाद में हंसी आती है, बिल्कुल ये वैसा ही है। ये फंक्शन जो है एक तरीके का ऐसा फंक्शन है जो अपने काम को सिर्फ एक ही लाइन में कंप्लीट कर देता है। अब अगर इससे सिमिलर चीज़ आप ढूंढेंगे सी में और सी प्लस प्लस में तो क्या है, इससे सिमिलर जो चीज़ मिलती है वो होती है मैक्रो। लेकिन मैक्रो और सिंगल जो इनलाइन फंक्शन होता है इसमें एक अंतर होता है, वो ये कि यह प्री प्रोसेसर है मैक्रो, और इनलाइन फंक्शन जो है ये प्री प्रोसेसर नहीं है। और प्री प्रोसेसर वो होता है जो प्री कंपाइल्ड कोड के अंतर्गत आता है, मतलब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर को या मैक्रो को कंपाइल कर लेता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन जो है इसकी केवल प्रोग्राम की जब रनिंग स्टार्ट होती है उसके बाद में ही केवल ये सबसे पहले भले इनलाइन फंक्शन को पढ़ेगा, लेकिन आपकी कंपाइलेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में ही इनलाइन फंक्शन को पढ़ा जाएगा। तो ये इसका एक बेसिक अंतर है, इसे याद रखिएगा और एग्ज़ाम में जब भी आए इसे ज़रूर लिखिएगा। तो इनलाइन फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो आप इनलाइन कीवर्ड के द्वारा बनाते हैं, उसके बाद में आपका फंक्शन का नाम रहेगा, फिर आके आर्ग्यूमेंट की लिस्ट रहेगी, और आर्ग्यूमेंट के लिस्ट के बाद में आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो यहाँ पे एक लाइन में आप लिख देंगे। आपको जो भी रिटर्न कराना है आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसे पूरा कंपाइलर जो है एक लाइन की तरह पढ़ता है और इसे एग्जीक्यूट करता है। अब ये इसका एक उदाहरण लेते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत हमें दोबारा पड़ेगी तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा नेम स्पेस स्टैंडर्ड तक। अब मैं यहाँ पे एक इनलाइन फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को बना ही डालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनलाइन, मान लीजिए मुझे दो नंबर को सम करना है तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देता हूँ सम, और सम की जगह मैं इसका नाम रख देता हूँ फन सम, फन सम। अब इसमें मैं दो आर्गुमेंट लूँगा, एक ले लेते हैं एक्स, दूसरा ले लेते हैं वाई। इसे करना क्या है, इस फंक्शन को इन दोनों का जो समेशन है, जो एडिशन है, उसे रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न एक्स प्लस वाई, दैट्स ऑल। ये आपका इनलाइन फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसे प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करते हैं वो हम देखेंगे। एक चीज़ आपने और ध्यान दी होगी, इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो प्रोटोटाइप से भी फ्री है ये, आप इससे प्रोटोटाइप को डिक्लेयर ना भी करें तो काम बन जाएगा। अब हम चलते हैं वापस मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं int main। मेन फंक्शन के अंदर हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं int a, int b, और एक ले लेते हैं sum। एक मैसेज दे देते हैं cout enter two numbers to find its addition। एडिशन जानने के लिए दो नंबर को इनपुट कीजिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ cin, सबसे पहले ए को रीड कर लेते हैं, फिर सी आउट बी। इस प्रकार से ए और बी की वैल्यू जो है वो रीड हो गई। अब हमें सीधा आउटपुट देना है तो हम यहाँ पे सी आउट लिखते हैं समेशन या एडिशन, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे लगाते हैं कॉलन और डबल कोटेशन मार्क के बाद में हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो आउटपुट देखिए कैसे प्रिंट होगा। फंक्शन का नाम क्या है, फन सम। फन सम फंक्शन को मैंने अब कॉल किया, यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करा देते हैं ए और बी। तो ये जो ए की वैल्यू है इसकी एक्चुअल वैल्यू कॉपी होगी एक्स पे जाके, और बी की जो वैल्यू है वो आएगी वाई पे, और इस प्रकार से जो रिटर्न वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई आ जाएगी हमारे पास में, और वो आउटपुट के रूप में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में आखिरी काम बच गया रिटर्न ज़ीरो, क्योंकि फंक्शन हमने इंट लिया तो यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिखना अनिवार्य है। बस काम खत्म। इसे कंपाइल और रन करते हैं, सेव करते हैं, नाम रखते हैं फंक्शन इन लाइन डॉट cpp, अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे cout दो बार लिखा गया, बस इतना ही प्रॉब्लम है। दोबारा रन करते हैं इसे। एक्चुअली मैं सीन दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें इस तरीके से ही a को रीड करना है और उसके बाद में फिर b को रीड करना है, दैट्स ऑल।
तो यहाँ पे अब हम इसे रन कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज आ गया एंटर टू नंबर्स टू फाइंड इट्स एडिशन। तो यहाँ पे दो नंबर डालते हैं 5 और 25, तो देखिए इसका समेशन आ गया 30 आपके सामने स्क्रीन पर। तो ये था आपका फंक्शन इनलाइन और फंक्शन नॉर्मल वाला जो हम फंक्शन पढ़ते हैं वाला। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि फंक्शन और इनलाइन फंक्शन क्या होता है, तो फटाफट इसका नोट्स बना लीजिए और कोशिश करिए कि स्क्रीनशॉट लिए बिना आप इसे बनाकर देखें अपने कंप्यूटर सिस्टम में। और मोबाइल पे भी बहुत सारे कंपाइलर्स आते हैं C++ के, आप कोई सा भी कंपाइलर डाउनलोड करके इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और यदि कोई आपका सवाल हो जो मुझसे एक्सप्लेनेशन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगले लेक्चर में C++ के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे वर्चुअल फंक्शन होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, ये पार्ट टू में किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में फंक्शंस इन C++ पार्ट टू में। आपको आने वाले जो फंक्शंस हैं उसका आपको ब्यौरा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।